कराची में बारान रहमत, इंतजामिया की नाअहली से जहमत बन गई। निकासी आप का निजाम एक बार फिर फेल, सड़कें तालाब में तब्दील। गुलिस्तानी जौहर में गाड़ियां डूब गईं। गुलबहार गोलीमार, कश्मीर कॉलोनी में नालों का पानी घरों में दाखिल। बादलों की घन गरज से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 500 से ज्यादा फीडर शिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। गुलिस्तानी जौहर, शाह फैसल, डिफेंस व्यू, मली, सफूरा गोट, गुलशन मेमार और दीगर इलाके मुतासर। पंजाब में बारिश ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बरसात से मौसम खुशगवार। बारिश ने मलका कौसार का हुसन भी दोबाला कर दिया। लाहौर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। चकवाल, अटक और बहावलनगर में भी बादल बरसे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी मुशावरत के तसलसल पर इत्तेफाक। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। दो साल में हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत तबाह हो चुकी। होशुबा महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून की जेर सदारत पार्टी इजलास। ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का उलमा कराम से टेलीफोनिक राबता। तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम बिल, अलामा साजिद नकवी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत दीगर से मुशावरत। कहते हैं अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम बिल से तमाम मसाले के दरमियान इत्तेहाद और प्यार मजीद मजबूत होगा। भारत की पाकिस्तान के फिजाई जासूसी की कोशिश फिर नाकाम। एलओसी पांडू सेक्टर में एक और भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया। भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर 200 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। रवां साल पाक फौज ने 10वां जासूस क्वाड कॉप्टर मार गिराया है। सब्जियों ने अवाम की तौबा तौबा करा दी। ईद करीब आते ही कीमतें आसमान पर। मटर की कीमत 320 रुपए प्रति किलो, आलू 70, प्याज 40, शिमला मिर्च 100 रुपए, करेले 50 रुपए में दस्तियाब, टमाटर 80 रुपए, हरी मिर्च की कीमत 160 रुपए प्रति किलो, लहसुन और अदरक की भी महंगे दामों फरोख। आटे का बहरान अवाम के लिए दर्द सर बन गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत बरकरार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान समेत कई शहरों में आटा गायब। पेशावर में दुकानदार 20 किलो का थैला 1200 रुपए में फरोख करने लगे। सिटी न्यूज नेटवर्क में मिड टर्म इलेक्शन सर्वे। नून लीग ने मैदान मार लिया। पीटीआई दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही। नून लीग को 42 और पीटीआई को 30% वोट मिले। दो साल पहले सिटी न्यूज नेटवर्क के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। ईद पर दूसरे शहरों को जाने वालों के लिए खुशखबरी। पीआईए का रियायती टिकट्स का ऐलान। इस्लामाबाद से कराची का किराया 8,625 रुपए होगा। कराची से कोयटा का टिकट 11,535 रुपए का। कराची से पेशावर के लिए टिकट 11,714 रुपए में मिलेगी।